आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। अपनगरी आधारताल शमशान भूमि विकास समिति के द्वारा आज कटरा आधारताल शमशान शाम 5 बजे शमशान परिसर में शमशान भूमि विकास समिति अध्यक्ष चमन पाशी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। प्रमुख रूप से कदम का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, मीठी नीम, खट्टे नीम का वृक्ष, बेल का वृक्ष, आम का वृक्ष, जामुन का वृक्ष सहित कई प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर चमन पाशी, बालकृष्ण श्रीवास, संतोष लोधी, राजू तोमर, राजू राजकुमार, उमेश श्रीवास्तव, छोटू चौधरी, श्याम सुंदर, राजा पवन केवट, अनुज पास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। आज उपनगरीय क्षेत्र आधारताल शमशान भूमि विकास समिति के द्वारा कटरा आधारताल शमशान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि पर्यावरण संतुलन को बरकरार रखने के लिए वृक्षों का होना अति महत्वपूर्ण है। और वही कारण है कि जहाँ पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसी के कारण समय पर वर्षा का न होना, समय पर शीत ऋतु का न आना, इस बात का संकेत है कि जहाँ पर भी सरकार के संरक्षण में प्रदेश में और जगह जगह जो वृक्षों की कटाई हुई है, उसी के कारण मानसून जो बरसात होती है वह समय पर नहीं हो रही है। उसी पर्यावरण संतुलन को बरकरार रखने के लिए कटरा आधारताल शमशान भूमि परिसर में आम का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, कदम का वृक्ष, मीठी नीम का वृक्ष और अशोक के वृक्ष, ऐसे कई प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए हैं, ताकि प्रकृति का जो पर्यावरण का जो संतुलन है वह बरकरार रहे। चमन पासी अध्यक्ष, उपनगरी क्षेत्र आधारताल शमशान भूमि विकास समिति। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।